आज हम बनाएंगे पाव भाजी। इसके लिए 2 बड़े चम्मच बटर लिए हैं, उसमें 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, 2 बड़ी शिमला मिर्च और 6-7 हरी मिर्च बारीक कटे हुए, अच्छे से सेकेंगे। 2 से 3 मिनट सेकेंगे। दो से तीन मिनट हो गए हैं। एक बाउल मटर की, 3 से 4 बड़े टमाटर बारीक कटे हुए, 5 से 6 आलू उबले हुए, 1 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे, पाव भाजी मसाला 2 बड़े चम्मच, 1 बड़ा चम्मच नमक का, 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जी को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं पानी ऐड नहीं करना है। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, हमारी सब्जियां अच्छे से पक गई हैं और अच्छे से मैश भी हो गई है। अब हम गैस को बंद करेंगे। ये अब हम बनाते हैं मार्केट जैसी पाव भाजी। इसके लिए हमने तवे पे 1 बड़ी चम्मच तेल की लेंगे, रिफाइन ऑयल, और बटर लेंगे 1 बड़ी चम्मच, फिर प्याज ऐड करेंगे, कसूरी मेथी लेंगे, थोड़ा हरा धनिया लेंगे, पाव भाजी मसाला 1 बड़ी चम्मच, थोड़ा सा नमक मिक्स करेंगे अच्छे से। पाव भाजी का मसाला ऐड करेंगे जो हमने रेडी किया था, वो ऐड करेंगे। आधा नींबू डालेंगे इसमें, आप अपने स्वाद के अनुसार खट्टा और कम और ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, पानी ऐड करेंगे, मिक्सर से अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी धनिया पत्ती, पाव भाजी मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी कसूरी मेथी और सेकेंगे।